कानून साहब ने जो आंकड़े पेश किए हैं बहुत सही आंकड़े पेश किए हैं कि ईडी वालों 5400 मामले दर्ज किए गए और उन्होंने चो जो 23 मामले ने जी कन्वेंशन आई है। पर मैं इन्होंने दस दिया कि 23 मामले जो कन्वेंशन आई है 30 उन्होंने आई है जिन्हें 31 मामले जोड़े ने उन्होंने डिसीजन आ चुका बाकी डिसीजन नहीं आया विच मीनस जो डिसीजन आता है केस कंप्लीट होंगे है क्योंकि कानून प्रतिक्रिया लंबा समा लगता डिसीजन आने नू और डिसीजन लगते ने चरिंदा को केस अजे काम चल रहे ने फिर गल की गल मान लीए लेकिन पन्नू साहब की दूजा गल कि 90% विरोधी पार्टिया के लोग ईडी के शिकार होते हैं भारतीय जनता पार्टी सारे साफ सुथरे ने यह भी तो इन्होंने कहा नहीं ये देखो वाले साहब इस गल मैं एक गल जरूर कहूंगा कि जिहड़ा शराब नीति माफ घोटाला जिहड़ा चल रहा ये मुख कंप्लेट कौन ने ये मुख कंप्लेट जी तुम याद हो सीबीआई ने और ईडी ने कंप्लेट दी थी भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सरसा जी ने दी थी और साढ़े गौरव जी ने दी थी असी कंप्लेट हम जे तुहानू कोई कंप्लेट लगता है तुहानू लगता कि साडा कोई नेता बीजेपी का कोई मंत्री या नेता वो करप्ट कर करप्शन कर रहा तुसीं कंप्लेट दो उस तो बाद खिलाफ एक्शन नहीं होता तो कह सकते हो तुसीं कंप्लेट दी है।